हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक कॉमन सी क्वेश्चन रहती है कि बिहार डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एक सवाल रहती है कि सर क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो क्या मुझे वो सरकारी हॉस्टल मिलेगा नहीं, यानी कि हॉस्टल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो कैसे मिलती है और पैसा लगती है कि नहीं लगती, यही सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे कि आप अगर बिहार डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलती है या नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो क्या इसकी प्रोसेस रहती है, इसमें खाना पीना मिलता है या सिर्फ रूम मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंदर जरूर देखेंगे और बात भी करेंगे इस वीडियो में कि डीएलएड एंट्रेंस 2024 की रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगी, ये भी एक्सपेक्टेड हम डेट जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए बात करें, जो कॉमन सी सवाल रहती है कैंडिडेट की, क्या कॉलेज में एडमिशन फ़ी क्या लगती है, ये सवाल रहते हैं, और हॉस्टल में फ़ी में गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहती है, ये सारी कन्फ्यूजन कैंडिडेट के रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी एडमिशन होती है तो 2 सालों में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ी लगेगी, यानी कि 1 साल में लगभग 10 से 12 हज़ार, यानी कि 2 सालों में 20 से 25 हज़ार में आपके 2 साल के जो कोर्स होगी वो डीएलएड की कोर्स कम्प्लीट हो जाएगी, और डीएलएड की जो कोर्स होगी आपको 20 से 25 हज़ार में कम्प्लीट हो जाएगी अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलती है तो। अगर यही आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होती है तो लगभग 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपकी फ़ी लगेगी 2 साल में, ये कोर्स करने के लिए आपको टोटल पता है 1.5 लाख तक की फ़ी लग जाएगी, ये आपकी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात कर ले कि क्या हॉस्टल में फ़ी कितनी लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल में फ़ी लगती है, हॉस्टल मिलती तो मिलती कैसे, ये जानेंगे। बॉयज़ के लिए भी जानेंगे, गर्ल्स के लिए भी जानेंगे। फिर बॉयज़ की बात कर ले तो बॉयज़ में आपको बोले 6 से 7 हज़ार पर ईयर लगती है, यानी कि जब साल में आपकी फॉर्म भराएगी एग्ज़ाम के उसी टाइम हॉस्टल फ़ी भी आपको लिया जाएगा, 7 से 8 हज़ार रुपया आपको फ़ी भी लगेगी आपके हॉस्टल। आप बात करेंगे बाद में कि आप हॉस्टल कैसे अप्लाई करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन पहले फ़ी के बारे में बता दूँ। 7 से 8 हज़ार आपको पर ईयर लगे, यानी कि सालाना अगर 2 साल में बात कर लिया, यानी कि 2 साल के कोर्स में आपको 12 से 14 हज़ार आपको फ़ी लगेगी। बॉयज़ के लिए 12 से 14 हज़ार रुपये आपको 2 साल की जो कोर्स है वो हॉस्टल में रह के आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फ़ी ये अलग हो गई और ये आपकी इधर अलग हो गई। इसके बाद गर्ल्स की बात करें तो 5 से 6 हज़ार रुपये पर ईयर, यानी कि सालाना आप 2 साल में आपको 12 से 10 से 12 हज़ार रुपये आपको 2 साल में फ़ी लगेगी, आपको ओनली हॉस्टल फ़ी, और फ़ी आपको इधर 20 से 25 हज़ार, यानी कि आप टोटल अगर जोड़ दें तो 20 हज़ार इधर से ले लीजिए, 12 हज़ार इधर ले, लगभग 32 हज़ार में आपको टोटल रहनाई के साथ साथ आपको टोटल होटल खर्चा हॉस्टल की खर्चा हो जाती है, और आप गवर्नमेंट की कोर्स भी कंप्लीट हो जाती है ये सारे का। बाकी जो खाना है वो खाना आप खुद से बनाइए या मेज ज्वाइन करिए, इससे अलग लगेगी, पर खाना खुद सेल्फ बना सकते हैं, अपने खुद कर सकते हैं या आपने मैं ज्वाइन करते गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बराबर है, डी एस की फ़ी। अब हम बात करें कि आपको हॉस्टल मिलेगी तो नहीं मिलेगी, जब दोस्तों जब भी आपकी एडमिशन होगी, यानी कि जब भी आपकी एडमिशन होगी 2024 के लेकर ही बात कर ले, तो 2024 में पता है आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी अलॉटमेंट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट में आपके नाम आएगी तो आपका एडमिशन होगी। तो एडमिशन होगी तो दोस्तों एडमिशन टाइम में ही आपको बताना होगा, जिस टाइम एडमिशन होगा उस टाइम में ही आपको बताना होगा, इस फॉर्म होगा उस फॉर्म भरना होगा कि हॉस्टल आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, उस टाइम ही आपको फॉर्म में एडमिशन टाइम में ही देना होगा। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि सीट कम होती है तो सबको मिलना लाजमी नहीं रहती, ज़्यादातर एजेंट कैंडिडेट को भी मिलती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बी सी कैंडिडेट उनको भी मिलती है। तो दोस्तों ये आप एडमिशन टाइम में फॉर्म भरने टाइम में मैंसन आपको करना होगा कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं नहीं लेना। अगर हम आप रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब तक प्रकाशित होने की संभावना है, फिर रिजल्ट कब तक जारी होगी, तो दोस्तों आपको पता है अभी आपकी मई की मंथ खत्म हो गई और जून की मंथ स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो दोस्तों जून स्टार्ट हो चुकी है और 4 जून की है, तो 4 जून का आपको पता है लोकसभा के रिजल्ट आएगी, 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आ जाएगी। इसके बाद आपको हम बता दें एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 जून के बाद डीएलएड के एंट्रेंस के रिजल्ट कन्फर्म है कि आपकी 20 जून के बाद 15 से 20 जून के बीच में आपके रिजल्ट आ जाएगी। और बाकी बात करें इसकी कट ऑफ की बात करें कि फैकल्टी वाइज कट ऑफ क्या आती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या आती है, इससे रिलेटेड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर देख लें। गवर्नमेंट सीट कितना है आपके कैटेगरी में, गवर्नमेंट सीट बिहार में कितना है, डाइट कॉलेज, ये सारे डिटेल्स वीडियो में पहले ही बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको हॉस्टल फ़ी के लेके हॉस्टल कैसे मिलते हैं इनके लेके आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट में जरूर बुलाए करेंगे। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का आप लोग लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।